सो फाइनली हम आ चुके हैं एक नए माइनक्राफ्ट का रिव्यू लेकर। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ फेस में, जिसका नाम है इस फेस का नाम है द ओशन। पे आके बहुत ज्यादा मेरे सर पे क्रीपर पड़े, जिससे मेरा आइलैंड बहुत तबाह हुआ था, लेकिन मैंने साथ साथ रिपेयरिंग कर। अब दोस्तों आप लोग सुनिए ना, सोचो कि मुझे ऐनक कहाँ से लगी। मैं बता रहा हूँ मुझे ऐनक नहीं लगी थी, और मैंने वीडियोस में अभी पहनी है, मैं पहनता था पहले, और तभी हमारा ओशन फेस स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंड कर दिया था अपने आइलैंड को। मैं आप लोगों को ऊपर से देखा था, मैं पोलर बियर आया तो मैंने फॉक्स को ना इधर मंद कर लिया, ताकि इसको ना मारे पोलर बियर। ये आइलैंड है, और यहाँ पर एक मैंने एक ऐसी जगह नहीं है, मैं माइनिंग क्या करूँगा, वहाँ पे एक छोटा सा मैंने कोरा आइलैंड बनाया है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक लाइक दरख्त उग रहा है। तो सर फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ फिफ्थ फेस यानी ओशन फेस में, जिसने मुझे ये वाले स्टोन बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके दिए। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ यार, पहले तो अपना थोड़ा सामान खाली करके आता हूँ। एक अपना वर्किंग एरिया बनाया है, इस तरह आपको देते हैं। ये है मेरा वर्किंग, वापस आता हूँ माइनिंग करने के लिए। अभी जल्दी 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 माइनिंग करते हैं हम। कौन आया? टर्टल। हो वाह दोस्तों, ये वैसे कोई से मारेगा तो नहीं यार? कोई से बस मारे ना, टर्टल साइड पे हो जाओ प्लीज, साइड पे हो जाओ बस, तुम्हें कोई मारे ना। इसको मैं कहाँ खींच जाऊँ, कहाँ खींचूँगा मैं इसे? और ये क्या चीज़ है वैसे, ये टेरा कोट है क्या? है बहुत ज़्यादा लाइक हम क्या अगर कैप कर लूँ, उसके बाद ये वाला मिलता है हमें तो ये वाला। और यहाँ पे ऑक्टोपस जल लिया तो ये तो मर रहा है। नहीं इसे बचाने से बचाने, नहीं नहीं ये तो आई थिंक बाहर मर जाता है। अरे भाई यार शिट, ज़्यादा मुझे सैंड मिल रही है, और ये ओ यार सैंड तो सारी नीचे चली गई, मैं क्या करूँ। ओशन फेस बड़े मज़े का फेस है, तो बड़े यूनिक से स्टोन मिल रहे हैं मुझे। तो ये क्ले बॉल मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्ले बॉल लगाता हूँ। ये तो मेरे पास क्या आ गया यार, ये तो फ्रेंडली होते लेकिन आप प्राप्त हुए तो मुझे ये मारेगा, ये तो पानी का फट हो गया पीछे पीछे। अब यार में बहुत ज़्यादा कम पावर है, और इसने मुझे क्या दिया, ये तो दे तो लंबी पहन लेता है ये। और यार क्या हो गया, एक चेस्ट मिली मुझे यहाँ पे इसके अंदर, ये पता नहीं कौन सा बबल, यहाँ पे जल्दी कैप मिल गया है। और यहाँ पे आई थिंक जगह पूरी हो गई, मैं क्या फेंकूँ, मैं बहुत फालतू चीज़ है, वैसे इस काबले में फालतू चीज़ होती नहीं, तो मैं वैसे ही एक रैबिट फूड फेंकता हूँ इधर के लिए। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें ले लेता हूँ, और यहाँ से गिर भी फेंक देता हूँ। और अब दोस्तों मैं अपनी जगह खाली करके आता हूँ, मैंने थोड़ा सा सामान अपना खाली किया है। अच्छा खासा देखिए, मुझे मतलब खाने की बहुत कमी है यार, मैं किसको मार के अपना खाना लूँ। एक वैसे पोलर बियर से मैं फिश, मैं फिश पड़ी है, मैंने पोलर बियर को मारा था, मेरा खाने की बहुत कमी थी यार, मुझे बहुत कमी लगी है खाने की। मैं बस सिर्फ एक पकी हुई फिश है यार खाने के लिए, भाई हम कितना मतलब खाना ही नहीं खाने के लिए, बस मुझे थोड़ा सा और खाना चाहिए था, मेरा पेट फुल हो जाता फिर तो। चेस्ट सारी मेरी नीचे की भी जा रही है यार। और ये मछली, नहीं नहीं नहीं, अबे यार शिट यार, ये क्यों मर, ये क्यों, मेरे पास एक आईडिया है, रुको एक मिनट सिर्फ दोस्तों एक मिनट, मेरी वाटर बॉटल इधर है, मैं बस मुझे वाटर बॉटल मिली थी, ऐसा मत करना भाई, वाटर बॉटल मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी इधर भी वो। अच्छा ये रे मैं डरा दिया, वाटर बॉटल भाई बहुत मुश्किल है ये सब लो। यार मेरा माउस भाई साहब क्या बन जा रहा है भाई, तुमको एक तो मैं रखता हूँ इसको इधर, उसके बाद इसको रखता हूँ इधर, क्या हुआ ऐसे, ऐसा होता था यार कुछ मैंने देखा था यार, शिट यार। चलो तो इसे हम रख देते हैं अंदर, फिर से माइनिंग करता हूँ, उससे पहले काम कर, इतने मुझे ओशन फेस के स्टोन मिले ना, पहले कलेक्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे ना मैं इनका इनकी सारी स्लैब्स बनाते हैं, मैं बड़ी अच्छी चीज़ बनाने वाला हूँ। सर यहाँ से इतनी स्लैब बनेगी, 64 स्लैब बन चुकी हैं। नहीं यहाँ से मैं सोच नहीं दोस्तों मैं क्या बनाऊँ ऐसा, आई थिंक मैं इससे अपना एक अच्छा सा ना मैं घर बनाने वाला हूँ। तो यानी सर अभी इस वाले एपिसोड में मैं अपना एक घर बनाने वाला हूँ। ये फॉक्स खा दी यार क्या भी मेरे आके बैठ चुकी है, तो अभी तो मैं काम करता हूँ पहले तो इस आइलैंड पर, फिर मॉस्पून हो जाएंगे अगर मैंने टॉर्चेस उतार दी। तो अभी तो मैं काम करता हूँ पहले तो इसको थोड़ा सा ना इससे एक्सटेंड करता हूँ, उसके बाद सोच। तो मैंने इतना कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे स्टार्ट के प्लैंक्स चाहिए, लेकिन आई थिंक मुझे फिर से अपने घर में जाना पड़ेगा। अब
भी वापस मैं काम पे लग जाता हूँ कुछ इस तरह। दोस्तों मैं अभी दोस्तों मेरे पास प्लैंक्स कम पड़ गए, बस यहाँ पे थोड़े से और आए थे तो सही काम था, लेकिन प्लैंक्स कम पड़ गए यार, मैं क्या करूँ। आई थिंक मुझे अब यहाँ से वुड काटनी पड़ेगी या फिर अगर मेरे पास होते तो ज़्यादा मैं मुझे वुड काटनी पड़ेगी यहाँ से। दोस्तों आई थिंक मैं ना यार वो लेयर लगाना छोड़ देता हूँ और अब मैं घर बनाना अपने वहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा उससे पहले ना थोड़ी सी माइनिंग करी, वैसे तो स्टोन चाहिए और कुछ भी सही स्पॉन कर के नहीं दे रहा है मुझे वो। इस तरह से मैं यहाँ पे प्लैंक्स लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से मैं छोड़ दूँगा, फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ। नीचे से आई थिंक मैं बाद में कवर कर दूँगा और अभी तो मैं कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ। और ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट यो यार शिट, फिर से सारी लेयर तोड़नी पड़ेगी। एक मैंने एक चीज़ गलत यार, मैंने तोड़े कम से कम 5 से पता नहीं कितने ज़्यादा प्लैंक्स है ना, उन नीचे की तरफ में गिर गया यार। और मेरे पास मुझे तो एक वुड मिली थी तो मैं चार यहाँ से मुझे मैं अच्छे खासे वुड लेकर आऊँगा, क्योंकि टूल्स की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास, तो फिर से जाके मैं बहुत ज़्यादा वुड ले लूँगा, मतलब अच्छे खासे ले लूँगा। इस बार वो नहीं करूँगा कि बस 3 लेकर आ गए, इस बार मैं ज़्यादा सारे लेने वाला हूँ। तो आई थिंक इतनी वुड जो है ना मेरे लिए सही है, तो अब मैं काम करता हूँ। पहले तो सिंपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लैंक्स बनने वाले हैं इसके साथ, देखना वो बहुत ये सही है, वही बस सही हमारा है। आई थिंक इससे घर जो है ना वो आराम से बन सकता है। अब मैं शीप के बाहर, लेकिन दोस्तों हम शीप के बगैर तो वुड नहीं ले सकते, तो मैं बेड किससे बनाऊँ। और याद है आई थिंक हम 4 से ड्रिंक रख के ना एक वूल बना सकते हैं, तो मैं उससे भी बेड बना सकता हूँ, याद है एकदम से याद है मेरे। यहाँ से 2 लेयर ऊपर की, आई थिंक 2 लेयर सही है। अभी यहाँ से फिर से हम काम पे लग जाते हैं। तो मैंने से यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन यार मैं ऊपर कहाँ से जाऊँ इसकी समझ नहीं आ रही मुझे, ऊपर कहाँ से जाऊँ। ऐसे काम करता हूँ, एक कोना पहले साइडों से, पहले मैं ये इससे करता हूँ, मतलब एक नंबर छोड़ के एक एक यहाँ पे ये, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे छोड़ के कुछ इस तरह से, और वहाँ से तो नहीं हुआ, एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पर। यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल इधर ही क्राफ्ट कर ले, और यहाँ पे अच्छी खासी हम बना लेते हैं स्लैब्स ऑफ आई थिंक कितनी बनाऊँ, एक मिनट, ये इसका हाफ कर लेता हूँ, इसका भी हाफ कर लेता हूँ, और फिर इसका भी हाफ कर लेता हूँ। आई थिंक इसमें एक और हाफ कर लेता हूँ, आई थिंक इतनी बस सही है। ओके बस 36। अभी ये मैंने वैसे ही बनाया, तो मैं बाद में तोड़ दूँगा, जो ऊपर आने में तो उसे मुश्किल हो रही थी। आई थिंक दोस्तों वुड की जो है ना कमी पड़ने वाली, आई थिंक नहीं पड़ेगी, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जो वुड है ना उसकी मुझे बहुत ज़्यादा भी कमी पड़ने वाली है। पर अभी मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना, उसके बाद मैं ज़्यादा डिज़ाइन कर दूंगा, बट अभी तो मैं कुछ सिंपल सा घर बना। यहाँ से फट से हम नीचे गिरे, से थोड़ा डैमेज आ गया मुझे। अभी मैंने यहाँ पे एक सीढ़ियाँ सी बना दी हैं ताकि ना मैं ऊपर नीचे जा सकूँ, उसको मैं बाद में तोड़ दूँगा, नहीं टेंशन ना लो। तो मैंने तो यहाँ पे मेरा घर कंप्लीट हो चुका है, मैंने कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर बस ये स्लैब लगा दूँ कुछ इस तरह से, और अब यहाँ पे थोड़ी सी स्लैब लगा देनी, और स्लैब तो खत्म हो गई। चलो मैं ये बाद में स्लैब लगा दूँगा, फिर तो मैंने और डिज़ाइन करना था, लेकिन ये स्लैब्स कलेक्ट करके स्लैब लेंगे। और तो मैंने कोबल स्टोन का इतना बड़ा दरख्त बना दिया है ना, मतलब इसको ख़त्म करना पड़ेगा बाद में कोई और काम। दोस्तों हमारे घर का जो आखिरी काम है ना वो बच चुका है, और यहाँ पे क्या गया इसको ध्यान से मन कर देता हूँ, और अब इसको ऐसे उसमें 4 की जगह छोड़नी है कुछ इस तरह से, और यहाँ से मन कर देता हूँ बिल्कुल ही, और आई थिंक ऊपर से भी मन कर देता हूँ, नहीं ऊपर से नहीं। अभी दोस्तों हमारा जो आखिरी काम बचा है ना, पहले तो मैं इसको भी तोड़ दूँ। अब दोस्तों मैं एक्चुअली कह रहा था कि जो आखिरी काम है ना वो है नीचे, नीचे की तरफ में वही मतलब स्नो ये वाले स्टोन बिछाना, ये वाला बहुत मुझे नहीं लगा वैसे कलेक्ट हो गया, तो मैं स्टोन ही तोड़ते वुड ही तोड़ता रह जाऊँगा यार, फटाफट से यार ओशन का स्टोन आ जाए। ओ आ गया, चलो खाने का मुझे मछलियाँ आज चाहिए, समझ नहीं आती मैं उन्हें कैसे लूँ, ऐसे काम कर पानी फेंक के आई थिंक मैं ले सकता हूँ, लेकिन बस मैं आगे जाके देखूंगा इस काम को भी देख लेंगे क्या करना है इसका। ऐसा इसकी भी स्लैब बना ली है, आई थिंक मैं यहाँ पे ये लगाने वाला हूँ, और एक जगह पे मैं इनकी स्लैब लगाने वाला हूँ। क्या मेरे पास ये स्लैब्स पहले पड़ी हुई थी, पता नहीं मुझे तो लग रहा है फिर मैंने हैवी क्राफ्ट किया। चलो छोड़ो यार, अभी मैं बहुत ऐसा भाग रहा हूँ यार, क्या एक मिनट एक मछली खा लेते हैं, पकी हुई मछली खाए तो ज़्यादा हमारी हेल्थ बढ़ेगी, और लगे मेरे पास एक कोल्ड भी है। चलो खैर यार उस पर से पता नहीं यार क्या हुई यार हमें से, तो यार ये क्यों लग गया भाई कोबल स्टोन, मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले तो ये पूरे क्या कर रहा है खड़ा हुआ है। अभी एक को मैं कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे लग ही नहीं रहा यार, ये तो लग ही नहीं सकता यहाँ पे, सोचो मैं
ऊपर से डिजाइन कर दूंगा, पर अभी तो मैंने इसको नीचे से कुछ इस तरह से, मैं इसे क्यों लग गया तो इसे मैं तो पहले यहाँ से तोड़ देता हूँ। और तो फटाफट से ना मैं बस सिम जल्दी से ना यहाँ से या कंप्लीट। आए हाय दोस्तों, ये तो बहुत ही एकदम गलत सीन हो चुका है यार। ये क्रीपर कहाँ से स्पॉन हो गया, अंदर कौन स्पॉन हुआ था, ये अंदर क्रीपर कहाँ से स्पॉन हो गया और इसने क्या कर दिया। ओ यार मेरी बहुत सारा चीज़ें पक्का नीचे गिरी हैं दोस्तों, आई थिंक स्लैब्स तो पक्का पक्का नीचे गिरी हैं। यार क्रीपर तू एक बार सामने आ जाओ, ऐसा गंदा मुंह तोड़ूंगा ना यार। क्या किया भाई इसने यार, अच्छा खासा मैंने घर बना दिया था। वीडियो लंबी करने का था, ज़्यादा शौक है क्रीपर को दोस्तों। मैं जितनी कोशिश करता हूँ ना वीडियो छोटी हो, उतना क्रीपर ना लंबी करवाता है मुझसे। इसका तो एक दिन ऐसा मतलब आया कहाँ से अंदर, आई थिंक स्पॉन हुआ है, तो मुझे बहुत देख के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मुझे तो टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी, पजले यहाँ पे ज़ॉम्बीज की बारात ही आ जाए। वैसे अब बारात ही आती है वैसे तो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लग रहा है, तो इसको मैं बाद में देख लूँगा और क्रीपर वगैरह को भी हम बाद में देख लेंगे। टेंशन में एक्स कहाँ जा रही है। तो चलो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी माइनक्राफ्ट की रिव्यू का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो एक बात ना भूलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके क्या कर रही हो भाई, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।